यार शायद अब जाके समझ में आ जाए। इसे देख लो, इसे बोलते हैं घोड़ा, ठीक है। और ज़्यादा बोलोगी तो ये चल भी आता है तुम्हारे सामने। अब जो जो पूछूँ वो जो है ना सही चुपचाप इनसे बता देना अगर बचना हो तो, ठीक है। मार दो, मेरे को भी मार दो, किसी और को भी मार दो, किसी और को मारने का मन हो तो जस्ट। अरे यार मार दो ना, अगर इतना ही है क्या हाथ में लेके घूम रहे हो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ सैम का ऑफिशियल। तो यार आप तो सोच होंगे सैम आज एनर्जेटिक नहीं लग रहा। यार बात ही कुछ ऐसी है, वीडियो में हो कुछ ऐसा गया है कि यार कहाँ से एनर्जी आएगी यार, क्योंकि मैं खुद यार इतना ज़्यादा हैरान हूँ क्योंकि यार इतने वेल क्वालिफाइड होते हुए भी यार लोगों की जॉब जा रही है, लोग जो है अनएम्प्लॉयड होते आ रहे हैं और लोग ने यार जॉब पैसे कैसे निकाल सकते हो जब यार कोई इतना लंबे टाइम से आपके पास से काम कर रहा है, तो यार आप क्यों निकाल रहे हो उन्हें, ठीक है। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एक मुझे यार ऐसी में एक लड़की से मिला जो वेल क्वालिफाइड थी, बहुत अच्छी तरीके से उसे इंग्लिश वगैरह भी आती थी, लेकिन उसकी जॉब जा चुकी है। लोग ये नहीं सोचते कि उसके घर में कोई कमाने वाला है या नहीं है, उसकी सिचुएशन क्या चल रही है, फिर भी यार लोग उन्हें अनएम्प्लॉयड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक इंसानियत नाम की भी चीज़ होनी चाहिए लोगों के अंदर। तो यार वीडियो के अंदर क्या हुआ है आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ही लाइक करना, लेकिन शेयर ज़रूर कर देना, चाहे लाइक करना मत करना। और यार बस कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं मिलता हूँ वीडियो के बाद। हाय, माय नेम इज सैम, सॉरी आई डोंट नो यू, जस्ट गो। क्या हो गया, इतना रूडली बिहेव करते हैं यार। हाँ ऐसे ही रूडली बिहेव करते हैं, बिकॉज यू आर अननोन पर्सन टू मी। या आई अननोन, बट वैसे क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? गो प्लीज, कैन यू जस्ट गो, आई डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद यू। या इट्स ओके, बट बिकॉज आई एम जस्ट कमिंग हियर टू यू नो, यू आर लुकिंग सो क्यूट, सो दैट्स व्हाई आई एम कमिंग टॉकिंग टू यू। चले जाइए, मेरे को आपसे बात नहीं करनी है, प्लीज चले जाइए। चला जाऊँ? एक्चुअली मैंने सोचा यार इतनी ब्यूटीफुल लड़की अकेले बैठी है तो यार लॉट्स ऑफ गर्ल्स गो एंड टॉक टू देम। या बट आपसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है ना, और तो दैट्स यार प्लीज़, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मेरे को परेशान मत करो। आप परेशान हो तो मैं जान सकता हूँ व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आई डोंट वांट टू टेल यू माय प्रॉब्लम, इज देयर एनी इशू? नो, तो नाम तो जान सकता हूँ ना आपका? सॉरी नाम है? यस। ज़्यादा नहीं खराब लग रहा लड़की का। ओके वैसे आप मुझे नहीं जानते, पक्का नहीं जानते? नहीं जानती। आप क्या शाहरुख खान है? नहीं शाहरुख खान नहीं हूँ, मैं अपना नाम बता रहा हूँ, आप फिर भी नहीं बता रही। मेरे को नहीं बताना अपना नाम। देखो एक्चुअली जहाँ आप बैठे हो ना, यहाँ का जो है ना हफ्ता जाता है मेरे पास। अच्छा आपके बाप का है? यही समझ लो, मेरा बाप बदमाश था और मैं बदमाश हूँ, मैं आपको बता दूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। कैन यू जस्ट गो प्लीज? आई थिंक आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, शायद अब जाके समझ में आ जाए। इसे देख लो, इसे बोलते हैं घोड़ा, ठीक है। और ज़्यादा बोलोगी तो ये चल भी आता है तुम्हारे सामने। अब जो जो पूछूँ वो जो है ना सही चुपचाप इनसे बता देना अगर बचना हो तो, ठीक है। मार दो, मेरे को भी मार दो, किसी और को भी मार दो, किसी और को मारने का मन हो तो जस्ट गो। हेलो वाटर, एक काम करो, लाओ फ़ोन दो अपना चुपचाप से, इससे पहले मैं तुम्हें ठोकूँ। चलो तुम्हारे बाप का फ़ोन है? नहीं ना, जस्ट गो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। वैसे प्रॉब्लम क्या हो गई ये तो बता दो। अरे यार मार दो ना, अगर इतना ही है क्या हाथ में लेके घूम रहे हो। अच्छा चलो एक काम करता हूँ, मैं इसे रख लेता हूँ। देखो एक एज ए ह्यूमन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज़ आप बता दो मैं चला जाऊँ, क्योंकि यार आप इतने देर से, मैं आपको 15 मिनट से वहाँ से वॉच कर रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा अपसेट बैठे हो, तो मैंने सोचा मैं आपसे आके पूछूँ यार क्यों मतलब अपसेट हो, प्लीज़। यू वॉन्ट टू नो, सो लिसन, माई सीनियर्स जस्ट टोल्ड मी दैट आई शुडन हैव टू कम टू ऑफिस नाउ, अब मैं ऑफिस नहीं जा सकती, आई एम अनएम्प्लॉयड, देन आई एम जस्ट स्ट्रेस्ड, सो कैन यू जस्ट गो, कैन यू जस्ट लीव मी ऑल अलोन, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एनी वन। तो मतलब प्रॉब्लम क्या हो गया? एक्चुअली मुझे हिंदी से इंग्लिश समझ में नहीं आती, हिंदी में बता दो प्लीज़। मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया है और मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आई थी एंड द इंटरव्यू गॉट कैंसल, सो या आई एम अनएम्प्लॉयड एंड आई एम ऑलरेडी स्ट्रेस, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो प्लीज़ डू, आई रिक्वेस्ट यू जस्ट गो। तो इस वजह से आप परेशान बैठो?
यार एक्चुअली आई एम सॉरी सो सॉरी एक्चुअली मैं आपके साथ जो है ना मजाक करने के लिए आया था ठीक है मेरे पास थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ जोक और समथिंग नो नो आई एम नॉट जोकिंग या ठीक है एक्चुअली मैं आपके साथ जो है ना मजाक करने के लिए आया मुझे नहीं पता था आप इतनी बड़ी टेंशन में हो यार मेरी जॉब चली गई है आई हैव अ लॉट ऑफ फैमिली इशूज सब लोग को ये लगता है कि गर्ल्स कांट डू एनीथिंग आई एम ऑलरेडी वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड आई डोंट नो वॉट टू डू मैं कहीं भी जाती हूँ इंटरव्यू देने मेरा सिलेक्शन नहीं होता एंड आई हैव टू लाइक बेयर माई एक्सपेंसेस सो आई नीड अ जॉब राइट नाउ एंड इट्स रियली अर्जेंट काइंड ऑफ थिंग मतलब आपके फादर वगैरह कुछ नहीं करते क्या दे डोंट सपोर्ट मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब लड़की होना yes. पाप है yes. ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना वी आर लिविंग इन 21st century But I can't change their mentality. I need a job. That's the point. That's it. Yeah. कैसा हो अगर मैं आपकी जॉब प्लेस्ड करवा दूँ तो What is the work? What is the work? मतलब आप किस तरह की जॉब करती थी जिसमें जो लास्ट जॉब थी आपकी I was an event manager. मैनेजर विच फील्ड इवेंट इंडस्ट्री इवेंट के अंदर ही अगर कोई अदर लाइक BPO या फिर अदर कोई वर्क दे जाए यू कैन डू इट बिकॉज सिचुएशन नॉट रनिंग वेल यू नो वेरी वेल बिकॉज कोरोना एंड ऑल तो डोंट वरी ठीक है मैं आपकी जॉब लगाऊंगा लेकिन बट आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा ठीक है आपको मतलब पूरी मेहनत के साथ वर्क करना पड़ेगा ठीक है तो थैंक्स ओके बट ऑलमोस्ट रिलीव माई स्ट्रेस कि अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे लग रहे थे तो मैंने सोचा पूछ लिया जाए किसी के सामने दोबारा गान मत निकालना नहीं नहीं एक्चुअली जो है ना मैं आपके साथ जो छोटा मजाक करने आया था मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं ठीक है तो मेरा एक फ्रेंड है आप एक काम करो किसी भी तरीके की आप कर लोगे ना ठीक है लाइक रिसेप्शन वगैरह ठीक है आप एक काम करो मुझे जो है अपना नंबर दे दो कल ही मैं आपका इंटरव्यू प्लेस करवाता हूँ ठीक है इंटरव्यू अपॉइंट करवाता हूँ तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा बट आपको औरों से सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो ठीक है बट यार थोड़ा सा वहाँ चले ही जाना क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो ऐसा ना हो कि मैं बात करूँ और आप फिर मना कर दो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना परफेक्ट ना सो प्लीज़ पुट योर नंबर ओके थैंक यू सो मच ठीक है मैं आपको कॉल करूँगा ठीक है और इसलिए मैं आपको बता दूँ यार मैं जो है ना आपके साथ छोटा सा प्रैंक करने के लिए आया था ठीक है मजाक ना ये नकली बंदूक है तो आप चाहो तो यू कैन चेक इट ठीक है प्लीज़ होल्ड इट ठीक है एक्चुअली वहाँ मेरा कैमरा है ठीक है तो या फिर नकली है ठीक है डोंट वरी इट्स अ लाइटर तो यहाँ रख लेते हैं क्योंकि काफ़ी इशू हो जाएगा अगर यहाँ औरों को शो हो गई तो ठीक है तो अभी आप क्या कर रहे हो ठीक है क्या कर अभी आप नाउ यू आर फ्री राइट नाउ यू आर गोइंग ओके सो नो यू आर गोइंग ओके थैंक यू सो मच क्या नाम था आपका अमृता पुट योर बैग आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी तो यार वीडियो लाइक करना मत करना लेकिन शेयर जरूर करना और बताना वीडियो कैसी लगी आपको मैं करने कुछ और गया था हो कुछ और गया और यार थैंक यू सो मच गाइस लव यू और मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच Bye-bye.